वो तो खेल रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है, आप देख रहे हो। बहुत लोगों ने कहा कि सर आज मैच चल रहा है और मैच में सेशन नहीं होना चाहिए, वो तो खेल रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है, आप देख रहे हो, आपको क्या मिल रहा है। बस यही डिफरेंस है एरिस्टोक्रेसी और कॉमन मैन में। अच्छी बात है, मैचेस तो जिंदगी भर चलेंगे, कयामत तक चलते रहेंगे मैचेस। ये दो डिवीजन जो मेरा जीवन में है, एरिस्टोक्रेसी और कॉमन मैन, दिस विल सर्वाइव टिल द डूम्स डे, कयामत तक। तो मैंने एक जीवन में एक डिवीजन किया ह्यूमन बीइंग का, एरिस्टोक्रेसी एंड कॉमन मैन, सब इसमें आते हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट नहीं, दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं और ये दो कयामत तक रहेंगे। एरिस्टोक्रेसी 2%, कॉमन पीपल 98%। और इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा मेजर, ये कोई भी काम करेगा उसके सेंटर में इंटरेस्ट होगा, कोई भी काम ये काम करेगा उसके सेंटर में इंटरेस्ट होगा ही नहीं। फियर हो सकता है, इमोशन हो सकता है, बस इसीलिए ये कॉमन है। अभी एक डेवलपमेंट हुई बिहार में, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, सभी करते हैं, कोई उन्होंने थोड़ी किया है, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें कह रहा हूं, सभी करते हैं। एरिस्टोक्रेसी, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। उसके नियम अलग है, उसके कानून अलग है। स्कूल में सिर्फ एक ही काम करना होता है स्कूल के लोगों को, पता नहीं वो अच्छे से कर पाते हैं या नहीं, लेकिन इंडिया में ह्यूमैनिटीज के साथ जितना बुरा रवैया होता है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। इसीलिए हिंदुस्तान का आज जो बहुत बड़ा तबका है वो नेहरू जी को इसलिए नहीं याद रखता कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर आए थे। अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, एक बहुत बड़ा तबका नेहरू जी को, जेएल नेहरू को जानता है, किसके लिए जानता है, एडविना माउंटबेटन के लिए। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस देश की एजुकेशन सिस्टम। बड़े सारे टीचर होते हैं 9th 10th में, बच्चों से बोलते हैं कि बेटा 2 साल पढ़ लो, उसके बाद जीवन में कभी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है बेटा, कभी पॉलिटी नहीं पढ़नी बेटा, बेटा ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़नी बेटा, तुमको डॉक्टर बनना है बेटा, डॉक्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस के सब्जेक्ट्स थ्योरी पे हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसमें कुछ एनालिसिस नहीं करना। तो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है उसका अप्रोच लड़कों का यहां पे होता ही नहीं, मेजॉरिटी। यहां लॉ ऑफ कनेक्टिविटी सिखाई जाती है कि अशोका केम आउट विद द पॉलिसी ऑफ धम्म, व्हाई। आप पूछो किसी लड़के से जो क्लास 11, 12 में हो, जिसने ह्यूमैनिटीज पढ़ी हो, कि व्हाई अशोका केम आउट विद धम्म, वो कुछ रटे हुए आंसर दे देगा आपको, क्योंकि उसकी टीचर ने उसे सोचना नहीं सिखाया, उसे कनेक्ट करना नहीं सिखाया। कॉलेज मींस एनालिसिस, इसका क्या फायदा हुआ, ये कितना रेलेवेंट है आज, एनालिसिस, इट्स रेलेवेंसी, आज ये रेलेवेंट है कि नहीं है, वॉज इट प्रॉफिटेबल फॉर अशोका और नॉट, इसके कुछ ड्रॉबैक थे या नहीं थे। अब जब लोगों का ये लेवल ही अच्छा नहीं है तो ये कैसे अच्छा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जब 90% लोगों का ये लेवल ह्यूमैनिटीज में बेकार है, बुरा है, पता ही नहीं, कनेक्टिविटी ही नहीं, कि भैया टीचर ने नहीं ये नहीं बताया कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए अशोका वॉज द एम्परर ऑफ
इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तब तो भारत कंट्री थी नहीं, नेशन थी नहीं। इसलिए जितने लोग आईएएस की प्रिपरेशन करने आते हैं वो कोचिंग करने जाते हैं विदाउट दिस, और जितने लोग कोचिंग करने इसके बिना जाते हैं वो सारे के सारे लोगों के लिए कोचिंग यूजलेस हो जाती है, क्योंकि जिनको कनेक्टिविटी ही नहीं है वो एनालिसिस कैसे करेंगे, रेलेवेंसी कैसे समझेंगे, ड्रॉबैक कैसे समझेंगे, समझेंगे ही नहीं। और फिर इन दोनों का परिणाम है, इन दोनों का मिला जुला परिणाम है मेंस ऑफ यूपीएससी। और इस मेंस से वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाते हैं, सिंगल इंफॉर्मेशन टाइप, मल्टीपल इंफॉर्मेशन टाइप, मैच द फॉलोइंग, रीजन एंड असर्शन, प्रीलिम्स कुछ अलग नहीं है। मेंस की जो तैयारी है ना वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस के एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स के। सिंगल इंफॉर्मेशन टाइप, हरखा बाई वॉज द वाइफ ऑफ, सिंगल इंफॉर्मेशन। मल्टीपल इंफॉर्मेशन, व्हाट वॉज ट्रू अबाउट अलाउद्दीन मार्केट पॉलिसी। मैच द फॉलोइंग, रीजन असर्शन,